हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा की रोटी, और ये बहुत टेस्टी बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप सुबह में बना सकते हैं, शाम को बना सकते हैं, या जब आपका मन करे तो बना सकते हैं, खा सकते हैं, और हेल्दी रोटी होती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने नारियल लिया है, और ये मैंने 3 बड़े चम्मच लिया है, और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो ये कद्दूकस किया हुआ 3 बड़े चम्मच नारियल है, जो पानी वाला आता है वो है। और ये मैंने रवा लिया है 1 बड़ा बाउल, या वेट वजन में देखेंगे वेट में तो ये है 400 ग्राम पानी लेंगे डो बनाने के लिए, नमक स्वाद के अनुसार। और ये 3 हरी मिर्च लिया मैंने, तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और अदरक लिया है मैंने 1 इंच लिया, उसे कद्दूकस कर लिया है। और 1 टेबल स्पून शक्कर लेंगे, शुगर, और ऑयल लेंगे सेकने के लिए। तो देख लेते हैं हम कैसे बनता है। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे जो डो बनाने का होगा, और उसमें हम डालेंगे रवा। और ये ज़्यादा बारीक नहीं है और ज़्यादा जाड़ा भी रवा नहीं है, ये आपको जो रवा मिले आप यूज कर सकते हैं। अच्छे से छान लेना है हमें रवा को, और उसमें डालेंगे हम नारियल, लहसुन, अदरक जो कद्दूकस किया है मैंने, और मिर्ची आप जितना हो सके बारीक कट करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने बड़ा काटा है। और शुगर 1 टेबल स्पून डालेंगे, और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, पहले हाथों से अच्छे से हमें मिला लेना है, और सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून ये डालना है। और इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे हाथों से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अभी लाइक बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो करिए आप। और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और इसमें हम पानी डाल के डो बनाएंगे, और इसे हम कम से कम 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसे हम डो बना लेंगे। तो ये मैंने अच्छे से डो को लगा लिया है, और बना लिया अच्छे से डो, और इसे हम ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। कम से कम हमें इसे 20 मिनट तक ढक के रखना है, उसके बाद हम बनाएंगे। तो इसे मैं ढक के रख लेती हूँ, तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ। 20 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो इसे 20 मिनट हो गया है, तो इसे अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे, और ये अच्छे से सेट हो गया है डो, अच्छे से रवा फूल गया है। और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल लगा लेंगे, और अच्छे से मसल लेंगे। तो ये मैंने अच्छे से मसल लिया है। थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे, रवा नहीं, सूखा आटा लेना है गेहूं का। इसमें से हम 1 पेड़े लेंगे, 1 चकली लेंगे, और ऐसे पेड़े बना लेंगे हम। और कम से कम हमें 20 मिनट रखना है इसे, आप 20 मिनट से थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट इसे हम रखेंगे। तो ऐसे करके मैं चकले बनाने देती हूँ। तो ये मैंने पेड़े बना ली है, इसे हम साइड में रख देंगे, और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे कि ये चिपके नहीं। और इसे हम बेल लेंगे, 1 प्लेट ले लेंगे, और जैसे हम चपाती बेलते हैं वैसे ही रोटी बना लेना है हमें। और ये आराम से बन जाता है, देखिए
अच्छे से रोटी आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मैं ऐसे करके सारी रोटियां बना लेती हूँ। तो ये मैंने देखिए सारे रवा की रोटियां बना ली हैं और गैस पे मैंने तवा रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो रहा है तो हम रोटी को बना लेते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो गया है तो हम रोटियों को डाल देंगे और पकने देंगे और गैस को हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रख करेंगे और अच्छे से पकने देंगे और रोटी को हम पलट लेंगे। देखिए दूसरे साइड से पक गया है तो हम बाकी दूसरे साइड पकने देंगे और ऊपर से हम ऑयल लगा लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक हम रोटी को सेकेंगे। और आप इसे अचार के साथ में, चटनी के साथ में या अपने मनपसंद सब्जी के साथ में, आपको जिसके साथ खाना हो आप खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें और हेल्दी रोटी होती है। तो इसे मैं सेक लेती हूँ। तो इसे हम पलट लेंगे और इस साइड से भी हम ऑयल लगा देंगे और चाहिए तो आप घी भी लगा सकते हैं। और दोनों तरफ से, दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक, ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। दोनों साइड में ऐसे अच्छे से कलर आ जाना चाहिए। तो ऐसे करके हम पका लेते हैं इसे। तो ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है और एकदम क्रिस्पी और एकदम करारा बना है। देखिए तो दोनों साइड से हमें अच्छे से ब्राउन हो जाने तक इसे देखिए ऐसे कलर आ जाना चाहिए और अच्छे से पक जाना चाहिए। और गैस को कम ही रखिए, मीडियम पे रखिए आप। और दूसरा हम ऐसे करके सारे रोटी बना लेंगे हम। तो ये मैंने सारी रवि की रोटियाँ बना ली हैं और दोनों साइड से हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक, ब्राउन होने तक सेकना है। और जब भी हम डो बनाते हैं तो ज़्यादा ना गीला और ना ज़्यादा कड़क करना है डो को, सॉफ्ट डो बनाना है हमें। जैसे चपाती के लिए बनाते हैं हमें ऐसे नरम डो बनाना है। तो मैंने सारे रोटियां बना ली हैं तो सर्व कर लेते हैं हम। तो ये मैंने एक सर्व प्लेट में निकाल लिया है और मैं हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ में या सब्जी के साथ में, अचार के साथ में, चाय के साथ में खा सकते हैं। तो आप बनाइए जब आपका मन करे, सुबह शाम या जब मन करे आप बना सकते हैं। और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाएँ। और मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और देखिए कितना अच्छा बना है और हेल्दी और टेस्टी रोटी है। तो ये हमारे रवा की रोटी बनके तैयार है, आप भी बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।